पेश है परफेक्ट रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका, प्रेस्टीज रोटी मेकर। सबसे पहले आटे को इस प्रकार से गूंद लीजिए कि वो नरम हो। ध्यान रखिए वो ज्यादा चिपचिपा भी ना हो। गूंदे हुए आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए ढक कर रख दीजिए। रोटी मेकर के प्लेट्स को सिर्फ साफ और सूखे कपड़े से ही पोछिए। प्लग लगाकर प्रेस्टीज रोटी मेकर को स्विच ऑन कीजिए। अब टेम्परेचर नॉब को घुमाकर मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कीजिए। जब हरी बत्ती जल जाए तो आपका रोटी मेकर रोटियां बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए रोटियां बनाते हैं सिर्फ चार आसान स्टेप्स में। आटे की लोई को थोड़ा दबाकर उसे कब्जे की तरफ रखिए। अब इसके ऊपरी लिड और लीवर को साथ में बंद कीजिए जिससे आटे की लोई फैल जाए। उसके बाद ऊपरी लिड को तुरंत खोल दीजिए। कुछ सेकंड के लिए रोटी को पकने दीजिए। जब रोटी पर छोटे छोटे बबल्स नजर आने लगे तो उसे पलट दीजिए। कुछ देर रुककर उसे वापस पलटिए ताकि रोटी दोनों तरफ से बराबर पके। अब रोटी अपने आप फूलने लगेगी। यदि ना फूले तो हल्के से ऊपरी लिड को बंद करें रोटी को पूरी तरह से फुलाने के लिए। आटा गूंथते समय देखिए कि आटा महीन हो, उसमें गेहूं या अन्य कोई टुकड़ा ना हो। गूंधा हुआ आटा ना तो ज्यादा चिपचिपा होना चाहिए और ना ही ज्यादा सख्त। ध्यान रखिए कि लोई को रोटी मेकर के बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा कब्जे की तरफ रखना है और ऊपरी लिड को दबाकर तुरंत खोल दीजिए ताकि रोटी की लोई बाहर खिसक न जाए। रोटी मेकर के ऊपरी लिड को दबाते समय ज्यादा जोर न लगाएं, इससे रोटी टूट या फट सकती है। रोटी मेकर पर मेटल के चम्मच का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करें। साफ करने के लिए सूखे कपड़े का ही इस्तेमाल करें, पानी या अन्य किसी लिक्विड का इस्तेमाल ना करें। और हाँ, इन गर्म प्लेट से सतर्क रहें। बस अब आप तैयार हैं परफेक्ट रोटियां बनाने के लिए। प्रेस्टीज रोटी मेकर।